स्टाइल विद पैशन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बेड पे बिना हिले डुले बेडशीट को कैसे बिछा सकते हैं, ताकि अगर आपके घर में बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, कोई भी बैठे, जोर से बैठे या डांस करे या कुछ भी करे, आपकी बेडशीट जो है अपनी जगह से तस्मस ना हो। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं बेडशीट कैसे बिछाती हूँ, और उसके बाद आप लोग भी ऐसे बिछाएंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा कि वो टेक्निक फॉलो करने के बाद आपको आपकी बेडशीट कैसी लगी। मतलब देखने में भी एकदम स्मूथ लगती है, चाहे कितनी भी फ्रिल्स हो, एकदम ऐसा लगता है कि आपने आयरन करके डाला हुआ है। तो मेरे को ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरह से एक बेडशीट ले लेनी है। तो जो टेक्निक मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपकी बेडशीट थोड़ी बहुत छोटी भी है, अगर नीचे पूरी तरह जा भी नहीं रहे, जिस टेक्निक को मैं बता रही हूँ आप उससे फॉलो करेंगे तो आपके छोटी बेडशीट भी आपके बड़े बेड पे बहुत अच्छी तरह सेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप पहले बेडशीट ले लीजिए। ये मेरा बेड है, तो इसके ऊपर मैंने ये बेड कवर लगा रखा है, क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं जिसमें से एक छोटा है तो वो कभी कभी टॉयलेट भी कर देता है, तो इसके लिए मैट्रेस सेफ्टी के लिए ये लगा रखा है मैंने। पूरी बेडशीट खोल के आप पहले चारों कॉर्नर्स एक जगह पे ले लीजिए। तो ये देखिए अभी चारों कॉर्नर्स मेरे हाथ में हैं। अब इन चारों कॉर्नर्स को एक बराबर आपको गांठ लगानी है। तो जैसे मैंने इस लेवल में पकड़ा है तो चारों की जो गांठ है एक ही लेवल में आनी चाहिए, मतलब वो थोड़ी आगे होती है तो चारों आगे होनी चाहिए। मतलब अगर आप गांठ लगाते हैं तो चारों इक्वल साइज में होनी चाहिए। तो मैं गांठ लगा देती हूँ हर एक कॉर्नर में। इस तरह से गांठ लगा लेनी आपको, मतलब आपको एकदम अच्छी तरह नाप लेने की जरूरत नहीं है, बस एक अंदाजे से आप गांठ लगाएंगे तो काफी है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने चार गांठे लगा लिए। अब बस आपको बेडशीट बिछानी है। तो कैसे बिछानी है वो भी मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको बेडशीट को बेड पे स्प्रेड कर लेना है इस तरह से, और जैसे ही ये कॉर्नर आता है, ये जो गांठ है इस कॉर्नर के नीचे जानी चाहिए। तो इस तरह से हम इसको दबा देंगे। तो जैसे ही आप चारों तरफ दबाएंगे तो ये कवर की तरह फिट हो जाएगा। तो मैंने देखिए एक जगह ऐसे फंसा दिया है, और अब मैं बाकी जगह भी सेम प्रोसेस करूंगी, तो जब आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए अभी बेडशीट एकदम प्रॉपर वे में बिछ चुकी है, और ये इस चारपाई के साइज के हिसाब से एकदम छोटी बेडशीट है जो एकदम कंप्लीटली पैक हो चुकी है। और अगर अभी इस पे बच्चे कूदेंगे तो भी ये निकलेगी नहीं, क्योंकि चारों तरफ से जो हमने गांठ बांधी है उसकी वजह से चारों तरफ से ये अच्छी तरह लॉक हो गया है। तो यहाँ पे मैं आपको इसका कॉर्नर दिखा रही हूँ कि वो गांठ है कहाँ पे। ये देखिए इस तरह से गांठ ने जो है कॉर्नर में, हर एक कॉर्नर में इस तरह से लॉक कर दिया है। और यहाँ पर गांठ भी देखिए छोटी सी गांठ है, गांठ को देख के आपको पता लगेगा कि ये बेडशीट बहुत छोटी है। तो एक्चुअली ये बेडशीट जो है मैंने चिल्ड्रन बेडरूम के बेड के लिए ली थी, ताकि मैं उधर बिछा पाऊँ, लेकिन आपको प्रॉपर डेमो मिल पाए कि छोटी बेडशीट हो चाहे बड़ी बेडशीट हो, तो बड़ी तो आप कैसे भी बिछा ही सकते, छोटी भी आप बहुत आराम से अच्छी तरह बिछा सकते, वो दिखाने के लिए मैंने आपको इस बड़े बेड पर छोटी बेडशीट लगा के दिखाई है। तो यहाँ देखिए ये रही गांठ, तो चारों तरफ से इस हिसाब से लॉक हो गया है ये। तो अगर थोड़ी बड़ी बेडशीट होती है तो गांठ और भी अच्छी तरह अंदर चले जाती है, मतलब बहुत इधर तक आ जाती है गांठ। तो देखिए ये इतना जंप कर रहा है लेकिन फिर भी निकल नहीं रही है। वही अगर आप नॉर्मली बिछाते बेडशीट तो कॉर्नर से निकल के बीच में जो है फ्रिल्स आ जानी थी, वो अभी आने की आशंका है बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी मेरी बेडशीट बिछाने की टेक्निक।
ज़रूर अपनाइएगा और ज़रूर ट्राई पक्का कीजिएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि ठीक नहीं है, वैसे तो एक बार आप ट्राई करेंगे आपको ये लगेगा नहीं, एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा। इसके अलावा आप किसी भी एंगल में बेडशीट बिछाने की कभी ज़रूरत नहीं करेंगे। तो आपने जैसे देखा कि मेरा छोटा वाला भी आके उस पर कुद्दी उद्दी मार चुका है, लेकिन बेड जो है बेडशीट बिल्कुल तस से मस नहीं हुई है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, भूल जाते हो आप लोग, लाइक को जो है ठोक दो और चिपका दो वहाँ पे, और उसके बाद शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हर घर में जो भी मैंने यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है उसका यूज़ हो पाए। एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आए दिन ऐसे अच्छे वीडियोस आप लोग के लाते रहती हूँ। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।